गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने जो है सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट किया था चिल्ड्रन एट वर्क, कि भाई बच्चे जो है कार्य करने लगते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो उसमें मैंने आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। फर्स्ट पार्ट में क्या था कि जो वेलू नाम का लड़का होता है वो एक कूड़ा बीनने वाली लड़की से मिलता है और वो उसके साथ चल पड़ता है। पहले तो वो सोचता रहता है कि भाई मैं इसके साथ जाऊं या न जाऊं। फिर वो सोचता है कि इस अजनबी शहर में मैं किसी और को नहीं जानता, इसलिए जो है वो उसके साथ साथ चल पड़ता है। अब उसके साथ जाने के पश्चात क्या होता है, ये जो है हम सेकेंड चैप्टर में अब पढ़ेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट आप निकाल लीजिए। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग, कि वेलू जो है भीड़ भरी गलियों में अपने उस दोस्त के पीछे चलते हुए एक बड़े भवन भवन के पास पहुंच जाता है, एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन, और उस बिल्डिंग के पीछे, उस भवन के पीछे एक बहुत बड़ा कूड़ेदान रखा हुआ है। वेलू वंडर्स, वेलू हैरान होता है व्हाई दे आर देयर एट ऑल, कि वे वहां क्यों आए हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लीविंग द स्टेशन, जैसे ही लड़की स्टेशन से बाहर निकली वह उसके साथ उसके पास जा पहुंचा। When they got to the road, और जब वे सड़क पर पहुंचे, वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, और तो वेलू ने पाया कि वाहन आ रहे हैं और वे किसी के लिए भी नहीं रुक रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी ओर से धुआं और धूल उड़कर जो है उसके ऊपर आ रहे थे, मेकिंग हिज हेड स्पिन, और जिससे उसका सिर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, इससे पहले कि उन्हें सड़क पार करने के लिए स्थान मिलता उन्हें जो है काफी समय तक इसके लिए इंतजार करना पड़ा। वेलू कैप्ट हेजिटेटिंग एंड गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, वेलू जो है संकोच करता रहा और लड़की जो है अंत में उसे सड़क के दूसरी ओर खींचकर ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हारे विचार में तुम क्या करने जा रहे हो? ग्रेजिंग काउज, गाय चराओगे? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, यदि तुम इसी प्रकार से सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हृदय अब भी तेज गति से जो है धड़क रहा था। ही लुक बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने पीछे मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से बढ़ते हुए वाहनों की ओर देखा। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे इतनी भीड़ में से कैसे इसको पार करके आ गए हैं। दे वॉक अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वे बड़े बड़े संकेतकों के नीचे से होते हुए सड़क के साथ साथ चल दिए, सड़क के साथ साथ चल दिए। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पैंट्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, वेलू ने चित्रों की ओर देखा, बनियाने, कारों के टायर, पैन, एक डिब्बा लिए हुए एक महिला। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, सभी अंग्रेजी लिखावट में थे, सो ही डिड नॉट नो व्हाट इज मीन, इसलिए उसे पता नहीं चला कि उसका क्या मतलब था। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप, लड़की एक चौड़े पुल पर मुड़ गई और आगे चल दी। वेलू स्टॉप्ड एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू रुका और लोहे की जो रेलिंग लगी हुई थी, लोहे की जो बाड़ लगी हुई थी उसके ऊपर से वो देखने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे द रोड रैन इनटू द सिटी, सड़क जो है शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और काफी दूर वह बड़ी बड़ी इमारतें, मीनारे और अधिक सड़कों को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी इमारत को देखो जिसके चारों तरफ दीवार है। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधानी नहीं बरतोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम शीघ्र ही वहां सलाखे गिन रहे होंगे। द गर्ल
ग्रैंड एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग। लड़की थोड़ी सी जो है हंसी और एक विशाल इमारत की ओर उसने जो है संकेत किया। वेलू स्केंटेड एंड रीड द तमिल साइंस सेंट्रल जेल। वेलू ने तिरछी नजरों से देखा और तमिल भाषा में लिखे संकेत पट को पढ़ा, केंद्रीय कारागार। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट दैट इज ऑल, बस केवल पकड़े मत जाना, इतना ही काफी है। व्हाट डज द शी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान हुआ। मीनवाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। और इस दौरान लड़की ने अपने कंधे पर बोरी लिए हुए पहले से ही जो कि पुल से नीचे उतर रही थी। व्हाट वाज इन इट, इसके अंदर क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उसे उस बोरी में प्लास्टिक के कप डालते हुए देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुमने इस बैग में क्या उठा रखा है। थिंग्स, चीजें, बोटल्स, बोटल, पेपर, कागज। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि वेलू हैरान था कि वो उनके साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन जो है उसे और सवाल पूछने में थोड़ी सी शर्म महसूस हुई। इट वाज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न। अभी सुबह का ही समय था लेकिन धूप जो है जो तार कोल से बनी हुई सड़क थी उसके ऊपर आग बरसा रही थी और वेलू के जो है नंगे पांव जो है धूप से जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, यह एक कच्ची सड़क पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सॉक्ड विद स्वीट, वह पसीने से भीग रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने जो है छाया में चलने और साथ ही साथ उस लड़की के साथ साथ चलने के लिए भी रहने का जो है कठोर उसने जो है प्रयास किया। सी वॉक रियली फास्ट, वो जो है सचमुच तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर था, क्योंकि उसको वेलू को भूख लगी हुई थी इसलिए उसको जो है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसको तो सिर्फ ये था कि उसका भोजन जो है उससे कितनी दूर था। After almost an hour of walking, लगभग एक घंटा चलने के पश्चात, they stopped in front of a big building. वो एक बड़ी इमारत के सामने रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, फूलों से बने अक्षरों में ये लिखा हुआ था। A sign with letters made of flowers said, कि ये जो है फूलों से बने हुए अक्षरों में लिखा हुआ था, सेट ग्रूम जेवी विनायगन ब्राइड राइनी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने जो है बाहर की ओर पार्क की गई बड़ी बड़ी कारों को देखा। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑनटू इट, उनमें से एक कार पर फूलों की माला थी और उसके ऊपर गुलाब चिपकाए हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उसमें से एक जल्दी से निकाला एंड स्टक इट इनटू हर हेयर, उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं, आस्क वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े हॉल को और उसके अंदर लोगों को देखकर वेलू ने पूछा। Thank you.